जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आने वाले समय में गेहूं और चीनी की कीमतें लोगों का खर्चा ना बढ़ा दें, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन दोनों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में तब कहा गया था कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और स्टॉक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है। ऐसे में एक और फसल चावल के निर्यात पर भी रोक लगाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ऑफिस की निगरानी में एक समिति इस बात की समीक्षा कर रही है कि किस किस फसल के दाम आगे बढ़ सकते हैं। भारत चीन के बाद दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। साल 2021-22 में भारत ने 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 ऐसी फसलों के निर्यात पर रोक लगाने का विचार किया था, जिसमें गेहूं और चीनी पर पहले ही सरकार ने फैसला कर लिया है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 6.115 अरब डॉलर का गैर बासमती चावल का निर्यात किया था। बता दें कि अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में चावल का उत्पादन 127.93 मेट्रिक टन था, जो कि पिछले 5 साल के चावल उत्पादन से 11.49 मेट्रिक टन अधिक था। सरकार की तरफ से हाल ही में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। बढ़ती महंगाई भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और यही वजह है कि इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग कई प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।